फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द स्टेटमेंट वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है vocab24 ऐप के बारे में, वैसे ही हम आपके लिए gk24 ऐप भी लेके आए हैं आपकी gk स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ में फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस डेली प्रोवाइड करते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, फ्रेंड्स यहाँ पे 3 कोर्सेज हैं, बेसिक, प्रो और एडवांस। सभी में जो कंटेंट है वो सभी में सेम है फ्रेंड्स, जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ चेंज हो रही है। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आपको पेन ड्राइव ऐड करनी है तो आप पेन ड्राइव भी ऐड कर सकते हैं और अपने कोर्सेज को ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप 7023336755 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, साथ में अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले वर्ड से, वो है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट एक नाउन है फ्रेंड्स, जिसका मतलब है एट डिस्ट्रक्टिव अटैक। तो कोई एक हमला अगर किसी के ऊपर कर देता है तो उसको अपन ऑनस्लॉट कहते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई हमला होना, देखिए सिनोनिम असॉल्ट, अटैक, इन्वेजन, इंकर्जन या फिर ब्लिज, एंड टर्म्स क्या, रिट्रीट या फिर डिफेंस करना। अब यहाँ पे पेपर की बात की जाए तो कौन से इंपॉर्टेंट होंगे, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत बार मैंने पेपर में देखा इनको आते हुए। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, अटैक करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द मैसिव ऑनस्लॉट ऑफ टेररिस्ट ऑन लंडन ब्रिज कॉट द कंट्रीज बाय सरप्राइज। यानी कि जो मैसिव हमला हुआ है टेररिस्ट के द्वारा लंडन ब्रिज के ऊपर, इसने सभी को सरप्राइज कर दिया है देश में। ठीक है, रिलेटेड वर्ड भी क्या होगा इसका, ऑनस्लॉट ही होगा, यानी कि हमला करना। और ओरिजिन कहाँ से है, एक मिडिल डच वर्ड से है इसका ओरिजिन है। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, आपके काम नहीं आएगा। देखते हैं इसकी ट्रिक, ऑन है हाउस में ऑनस्लॉट। तो देखिए, ऑन है हाउस में, क्या ऑन है, ऑनस्लॉट है। तो देखिए, अगर ऐसा किसी के घर में आग लग गई है तो यहाँ पर काफ़ी डिस्ट्रक्शन होने वाला है। ठीक है, आग कई सारे लोगों को अटैक करके अपने नुकसान पहुँचाने वाली है। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि ऑन है हाउस में, क्या, ऑनस्लॉट, यानी कि हमला, किसके द्वारा, आग के द्वारा। इस तरीके से अपन देखिए इजीली इसको याद कर सकते हैं कि ऑन है हाउस में, ऑनस्लॉट यानी कि हमला घर के अंदर ऑन है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अरेबल। अरेबल एक बहुत कॉमन वर्ड है, इसका एडजेक्टिव है ये, पहली बात। तो दूसरा क्या है, कोई भी ऐसी लैंड जो कि कल्टिवेबल हो, क्रॉप को ग्रो करने को लेकर सुटेबल हो, उसको अपन अरेबल कहते हैं, जैसे कि कृषि योग्य। सिनोनिम क्या है, फार्मेबल, कल्टिवेबल, कल्टीटेबल, टिलेबल, फर्टाइल या फिर प्रोडक्टिव, एंटोनिम्स इनफर्टाइल या फिर स्टेरल। तो दोनों ही बहुत ही कॉमन से वर्ड है, एक ये आपको ध्यान रखना है, टिलेबल यानी कि कोई भी चीज़ जो कि फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, उसको कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बिकॉज द फार्म लैंड वॉज ड्राई एंड नॉट अरेबल नोबडी बिट ऑन द पार्सल एट द ऑक्शन। यानी कि जो फार्म लैंड थी वो बहुत ही ड्राई थी और वहाँ पर खेती नहीं हो सकती थी, इसीलिए किसी ने उसको ऑक्शन में नहीं बिट किया। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से अरेर, अरेर का मतलब प्लॉग करना, खेती करना। अब देखते हैं ट्रिक, जो एबल है क्रॉप ग्रो करने में वो लैंड कैसी है, अरेबल है। कितने आसानी से याद कर सकते हैं अगर किसी को ये वर्ड नहीं आता है तो, जो लैंड एबल है क्या करने में, क्रॉप ग्रो करने में, तो कैसी हो जाएगी, अरेबल हो जाएगी, यानी कि उपजाऊ हो जाएगी, जैसे ये ज़मीन है। इस तरीके से अपन आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना डिबंक। डिबंक एक वर्ब है जिसका मतलब है एक्सप्लोर द फॉल्सनेस और होलोनेस ऑफ कोई भी आइडिया या फिर बिलीव। किसी भी आइडिया का, बिलीव का पर्दाफाश करना, उसको झूठा करार कर देना, ओके, उसको अपन कहते हैं डिबंक करना। सिनोनिम देखिए, एक्सपोज, डिमेस्टिफाई, अनक्लॉग या फिर अनमास्क, एंटोनिम से प्रूव या फिर अपहोल्ड। एग्जाम्पल देखते हैं, द साइंटिस्ट होप टू डिबंक द जेनेटिक थ्योरी बाय कंप्लीटिंग इट्स ओन रिसर्च। यानी कि साइंटिस्ट क्या हो कर रहे थे कि वो पर्दाफाश कर देंगे जेनेटिक थ्योरी का, ठीक है, बाय कंप्लीटिंग वो किसकी, खुद की रिसर्च को पूरा करके। वह फॉर्म्स देखें, डिबंक, डिबंक्ड एंड डिबंक्ड। और ट्रिक देखिए कितनी आसान है, बंक मारते हुए पकड़े तब डिबंक हुआ लो अटेंडेंस का। तो जैसे कि देखिए, इन बच्चों की बहुत लो अटेंडेंस थी लेकिन कभी पता ही नहीं चला कि लो अटेंडेंस क्यों है, इस चीज़ का कोई पर्दाफाश ही नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन बंक करते हुए जब इनको पकड़ा तब पता लगा डीबंक का, यानी कि इनका पर्दाफाश हुआ कि इनकी अटेंडेंस इतनी लो क्यों थी। इस तरीके से देखिए, बंक और डीबंक को आप इजीली रिलेट करके याद कर सकते हैं, इस तरीके से करेंगे तो कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट है अपना रेडिक्यूल। रेडिक्यूल एक वर्ब है जिसका मतलब है सब्जेक्ट टू कंटेम्पशियस एंड डिसमिसिव लैंग्वेज और बिहेवियर, उपहास करना। तो किसी का मजाक उड़ाने को अपन कहते हैं रेडिक्यूल करना। सिनोनिम देखिए, डिराइड, मॉक, लाफ एट, मेक फन ऑफ या फिर पिलोरी, एंड टर्म्स के एडमायर, लव, प्रेज या फिर रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे सभी कॉमन है कि दो वर्ड ध्यान रखना है, डिराइड और पिलोरी।
दोनों का मतलब मजाक उड़ाना। एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर फ्रेंड्स टू रेडिक्यूल वन अनदर, यानी कि दोस्तों में बहुत कॉमन है कि सभी एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। वर्ब फॉर्म्स देखते हैं, रेडिक्यूल, रेडिक्यूल्ड एंड रेडिक्यूल्ड। लेटर वर्ड क्या है, वर्ड क्या है, रेडिक्यूल यानी कि द एक्ट ऑफ मेकिंग फन ऑफ समवन और समथिंग इन ए क्रूअल एंड मीन वे। रेडिक्यूल यानी कि इस तरीके से किसी का मजाक उड़ाना कि जो कि बहुत ही क्रूअल है और जिससे किसी को पसंद नहीं आता है। ओरिजिन कहाँ से, लैटिन वर्ड से ही है, ठीक है। देखते हैं इसकी ट्रिक, ऐसी रेड ड्रेस पहनी, पहनने पे बहुत रेडिक्यूल किया। तो देखिए, अगर कोई ऐसी रेड ड्रेस पहन लेगा तो आप उसको क्या करोगे, रेडिक्यूल करोगे, यानी कि उसका मजाक उड़ाओगे, या तो सामने या पीछे, लेकिन उड़ाओगे ज़रूर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ऐसी रेड ड्रेस पहनी, ओके, पहनी तो क्या हुआ, रेडिक्यूल किया, यानी कि उपहास उड़ाया। नेक्स्ट वर्ड में डिसेक्रेशन, डिसेक्रेशन एक नाउन है जिसका मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ ए सैक्रेट प्लेस और ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट और कंटेमिनेशन। किसी भी जो सैक्रेट प्लेस है जहाँ पे पूजा अर्चना होती है, अगर वहाँ उसको दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसेक्रेशन कहते हैं। सिनोनिम देखिए, प्रोफेनेशन, सैक्रिलेज, पोल्यूशन, कंटेमिनेशन या फिर डिग्रेडेशन। एंटोनिम्स है वेनरेशन या फिर सैंक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे पेपर के लिए दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, प्रोफेनेशन और साथ में सैक्रिलेज, ठीक है, और वेनरेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं सैक्रेशन को, डिसैक्रेशन को, ओके। किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक देखते हैं। डर्टी चीज़ें सेक्रेट जगह रखने से डिसैक्रेशन हो जाता है। तो अगर आपने डर्टी चीज़ें, कोई गंदी चीज़ें अगर आपने सेक्रेट जगह पर रख दी, तो क्या हो जाएगा, वो अपवित्र हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। तो वो क्या हो जाएगी, डिसैक्रेशन हो जाएगी, ओके। तो डिसैक्रेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ को दूषित करना। एग्जाम्पल क्या है कि प्रीस्ट को इतनी नॉलेज है, इतना नॉलेजेबल पर्सन है कि उसको पता है कि कैसे अपवित्र नहीं करना है होली टेम्पल को, या ऐसा कोई काम नहीं करना है। वह फॉर्म्स देखते हैं, डेसेक्रेट, डेसेक्रेटेड एंड डेसेक्रेटेड। रिटेड बट क्या, डेसेक्रेट यानी कि टू ट्रीट ए सेक्रेट प्लेस और ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट, ओके, या फिर डिसरेस्पेक्ट, ओके, रेस्पेक्ट नहीं डिसरेस्पेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है रिगार्डिंग ह्यूमन काइंड एज अ सेंट्रल और मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एक्सरसाइज। तो कोई भी चीज़ जो कि मानव केंद्रित होती है, ठीक है, मानव यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड होती है, उसको अपन कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। सिनोनिम देखिए, ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमनॉइड, फोस्ड, फोकस्ड ऑन होमोसैपियंस। तो होमोसैपियंस कौन होते हैं, ये अपना साइंटिफिक नेम है किसका, ह्यूमन बींग का। एंटोनिम्स क्या है, इक्वापोलेंसी, पैरिटी ऑफ स्पीशीज। एग्जाम्पल देखते हैं, वाइल विजिटिंग द जू वी वॉच्ड अ मंकी पील ए बनाना इन सच ए एंथ्रोपोइड वे। यानी कि जब हमने विजिट किया जू को, तो हमने देखा कि एक मंकी जो है वो बनाना को बिल्कुल इंसान की तरह छील रहा था। रिलेटेड वर्ड क्या है, एंथ्रोपोइड यानी कि रिजेम्बलिंग ए ह्यूमन बींग इन फॉर्म। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, एंथ्रो से रिलेटेड तो चीज़ एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो देखिए, एक रूट वर्ड होता है फ्रेंड्स एंथ्रो, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन लाइक। कोई भी चीज़ जो कि इंसान की जैसी है, तो अपन एंथ्रो यूज़ करते हैं। तो अगर एंथ्रो वर्ड आ जाए, तो आप इजीली पता कर लेंगे कि कोई भी चीज़ जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। सेंट्रिक का मतलब तो सेंटर होता ही है, यानी कि मानव केंद्रित, ओके। इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि एंथ्रो से रिलेटेड चीज़ें एंथ्रोपोसेंट्रिक। नेक्स्ट वर्ड है अपना स्नप। स्नप एक वर्ब है जिसका मतलब है ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली। कोई भी चीज़ जो कि एकदम से टूट जाए, उसको अपन स्नप कहते हैं। सिनोनिम देखिए, ब्रेक, फ्रैक्चर, स्प्लिटर, सेपरेट, कम अपार्ट, पार्ट या फिर स्प्लिट। और एंटोनिम से कनेक्ट, यूनाइट, एसोसिएट, कंबाइन या फिर ज्वाइन। तो यहाँ पे सभी कॉमन से वर्ड है, एक स्प्लिंटर आप देख सकते हैं, कोई भी चीज का टूटने को कहते हैं। एग्जाम्पल, देयर रिलेशनशिप वॉज स्नब्ड ओवर ए ट्रिवियल आर्ग्यूमेंट। यानी कि जो उनकी रिलेशनशिप थी, वो टूट गई बहुत ही छोटे से, ट्रिवियल का मतलब बहुत ही मामूली सी आर्ग्यूमेंट को लेकर। वह फॉर्म्स स्नप, स्नब्ड एंड स्नब्ड। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, ऐसा स्लैप मारा कि टीथ स्नप हो गए। तो देखिए, अगर किसी ने एक ऐसा स्लैप मारा कि टीथ टूट गए, जैसे कि इस पर्सन ने, ओके, तो टूट गएगा मतलब क्या हो गया, स्नप हो गया। तो मैं स्लैप और स्नप इन दोनों को लेट कर रहा हूँ, दोनों ही एक जैसे सुनने में लग रहे हैं मुझे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ऐसा स्लैप मारा कि टीथ स्नप हो गए। तो कभी भी अगर आप इस वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, कभी भी किसी को स्लैप को यूज़ कर रहे हैं कि मैंने ऐसा स्लैप मारा कि उसके टूट गए दांत, तो आप वहाँ पे टूटने को याद यूज़ ना करें, स्नप को याद करें। इस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं, ओके। सेवर, सेवर एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी भी चीज़ को तोड़ना, काटना, ओके, पृथक करना, अलग करना।
सिनोनिम क्या है? डिटैच करना, डिसकनेक्ट करना, कट करना, डिसजॉइंट करना. एंटोनिम्स है अटैच करना, कंबाइन, कनेक्ट, ज्वाइन, कपल या फिर लिंक. ओके, बहुत ही कॉमन कॉमन से वर्ड है सिनोनिम एंटोनिम में. एग्जाम्पल क्या है? एक्टिविस्ट आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू सेवर ऑल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कंट्री ओवर टेररिज्म. एक्टिविस्ट क्या बोल रहे हैं गवर्नमेंट से? ओके, क्या पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से कि जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली कंट्री से तोड़ दो, सवीर कर दो, सेवर कर दो. वह फॉर्म से सेवर, सेवर्ड एंड सेवर्ड. अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान है. सीवर लाइन में गया तो इंसेक्ट ने सेवर किया. सीवर लाइन में देखिए बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, आपको पता है बहुत ज़्यादा गंदा होता है सीवर लाइन. तो जो इसको सही करने के लिए एक पर्सन है ना, ठीक है, सेवर सीवर लाइन में क्या गया? अंदर गया. तो सेवर लाइन में अंदर गया, इंसेक्ट ने क्या कर लिया? सेवर कर लिया, यानी कि काट लिया, कट कर लिया. इस तरीके से आप सीवर को और सेवर को लेट करके याद कर सकते हैं. सीवर में अंदर गया पर्सन, तो इंसेक्ट ने सेवर किया यानी कि काट लिया. नेक्स्ट है अपना स्टेवर्ड. स्टेवर्ड एक नाउन है जिसका मतलब है एक ऐसा ऑफिशियल जो कि सभी चीज़ों को मैनेज करता है, पब्लिक इवेंट को मैनेज करता है, प्रबंधक. सिनोनिम है इसके ऑफिशियल, मार्शल, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर रिप्रेजेंटेटिव. एग्जाम्पल, द स्टेवर्ड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंपनीज बैंकरप्सी. यानी कि जो प्रबंधक थे इन्वेस्टमेंट के वो रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से कंपनी का दिवालियापन हुआ है. रिलेटेड वर्ड देखते हैं, स्टेवर्डशिप यानी कि प्रबंधक, और ओरिजिन कहाँ से? इंग्लिश वर्ड से इसका ओरिजिन है. अब देखते हैं ट्रिक, बहुत आसान है. वार्डन का काम स्टेवर्ड करने का होता है हॉस्टल में. तो वार्डन का काम क्या होता है? प्रबंधन करने का होता है. प्रबंधक होती है वार्डन. देखिए, कीप काम एंड ट्रस्ट है हॉस्टल वार्डन. तो वार्डन क्या करती है? स्टेवर्ड करती है. तो इस तरीके से अपन देखिए दोनों ही चीज़ों को लेट करके इसे याद कर सकते हैं. आखिरी के देखिए कॉमन से है, वार्डन का काम स्टेवर्ड करने का होता है हॉस्टल में, यानी कि देख रेख करने का होता है. नेक्स्ट वर्ड है अपना एम्पथी. एम्पथी एक नाउन है जिसका मतलब है सहानुभूति दिखाना, अफिनिटी, कंपेंशन या फिर रैपोर्ट. ओके, रैपोर्ट. तो कंपेंशन और रैपोर्ट ये दोनों इंपॉर्टेंट है. एंटोनिम्स है डिसडेन, हेट्रेड, इनडिफरेंस या फिर मर्सीलेसनेस. एग्जाम्पल देखते हैं, बार्ट हैड एन हार्ड टाइम फॉर्मिंग हेल्थी रिलेशनशिप बिकॉज ही लैक्स एम्पथी फॉर अदर्स. यानी कि बार्ट को बहुत टाइम लगा एक हेल्थी रिलेशनशिप बनाने के लिए क्योंकि दूसरों को लेकर उसकी बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है. वह फॉर्म्स एम्पथाइज, एम्पथाइज एंड एम्पथाइज. रिटर्न वर्ड एम्पथाइज यानी कि सहानुभूति होना. अब देखते हैं इसकी ट्रिक, पैथेटिक काम करोगे तो कोई एम्पथी नहीं करेगा. तो देखिए मैंने एम्पथी को पैथेटिक से रिलेट किया है. इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अगर आप पैथेटिक का मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरे काम करोगे तो कोई भी आपके साथ में सहानुभूति नहीं रखेगा. इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि कैसे अपन ने इनको किस ट्रिक से रिवाइज किया है, याद किया है. ओके, बहुत ही आसान ट्रिक है, एक या दो बार भी याद करेंगे तो इजीली याद कर पाएंगे. पहला अपना जो वर्ड था वो था ऑनस्लॉट. ऑन है हाउस में, ऑनस्लॉट यानी कि हमला. जो एबल है क्रॉप ग्रो करने में वो लैंड अरेबल है यानी कि कृषि योग्य है. बंक मारते हुए पकड़ा तब डिबंक हुआ लो अटेंडेंस का, यानी कि पर्दाफाश हुआ. ऐसी रेड ड्रेस पहनने पर बहुत रेडिकुल लगती हो. ओके, यानी कि मजा, या फिर ऐसे मैंने थोड़ा सा इसको दूसरी तरीके से बोल दिया. इस तरीके से याद कर सकते हैं कि ऐसी रेड ड्रेस पहनने पर बहुत रेडिकुल किया, यानी कि इसका उपहास उड़ाया. डर्टी चीज़ें सेक्रेट जगह पर रखने से डेसेक्रेशन हो जाता है, यानी कि अपवित्रीकरण हो जाता है. एंथ्रो से रिलेटेड चीज़ें कैसे होती है? एंथ्रोपोसेंट्रिक होती है, यानी कि मानव केंद्रित होती है. ऐसा स्लैप मारा कि टीथ स्नप हो गए, यानी कि टूट गए. सीवियर लाइन में गया तो, और इंसेक्ट ने काट लिया तो क्या हो गया? सेवर गया. देखते हैं नेक्स्ट, सीवियर लाइन में गया तो इंसेक्ट ने सवीर किया, सेवर किया. तो सेवर किया यानी कि काट लिया. वार्डन का काम स्टेवार्ड करने का होता है हॉस्टल में, यानी कि ध्यान रखने का, प्रबंधन करने का होता है. पैथेटिक काम करोगे तो कोई एम्पैथी नहीं रखेगा, यानी कि कोई भी आपको सहानुभूति नहीं देगा. अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे. हमने आपसे मोस्ट सिमिलर सिनोनिम हमने आपसे पूछा था जो कि 90% लोगों ने सही आंसर किया है, सभी बच्चों ने. इसका आंसर है ए, टाइनी. ओके, एग्जीक्यूस आपका वर्ड था और टाइनी इसका आंसर है. तो इस तरीके से आपने आंसर किया जो कि बहुत सही था. आज भी हमने आपसे एक सिनोनिम पूछा है विसिनेज का, VICINAGA. अलूफनेस, हॉस्टिलिटी, नर्वसनेस या फिर क्लोजनेस, ये आपके सामने चार ऑप्शन है और आपको कमेंट करना है इसका सही आंसर फ्रेंड्स. और आज का ट्रिक बनाओ तो जाने के अंदर फ्रेंड्स आपका जो वर्ड है वर्ड टॉर्चियस. ओके, TORTUOUS, इसका आपको ट्रिक बनानी है और सभी बच्चों को इससे बेनिफिट होगा फ्रेंड्स. जैसे कि नैना सिंह ने फॉनिंग का ट्रिक बनाई थी, बहुत अच्छी ट्रिक है. अपना फायदा निकालने के लिए लोग फॉनिंग करते हैं, यानी कि चापलूसी करना. ओके, प्रेस करना, बिन बात ही लोगों को उसकी तारीफ करना, उसको कहते हैं फॉनिंग.
तो फायदा निकालने के लिए फोनिंग करते हैं। दूसरा ये भी बहुत अच्छा था प्रदीप जी का, कपिल शर्मा फन करके फोनिंग करते हैं। तो कपिल शर्मा के शो में देखा होगा आपने एक्ट्रेसेस को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, तो फन करके फोनिंग करते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको सेंटेंस बनाने के लिए कहा था जहाँ प्रवीण जी ने और शेखर जी ने, राजशेखर जी ने बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंस बनाया है। उम्मीद है आज के 10 वर्ड लेके आप भी एक सेंटेंस क्रिएट करेंगे और हमें भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जीका वायरस से रिलेट किया है अपने पूरे सेंटेंस को, जैसे कि WHO बहुत निराश हो गया था जब उसको पता लगा कि भारत में स्प्रेड हो गया है इन्फेक्शन, गवर्नमेंट ने इसको टालमटाल किया, ठीक है। जीका वायरस बहुत ही नॉमिनल नहीं है, मामूली नहीं है, ये वैसे ही खतरनाक है अपने ओपोनेंट जैसे, जैसे कि HIV वायरस है। गवर्नमेंट ने इसको लेके कुछ फंड जारी किया, इस तरीके से इन्होंने इसका सेंटेंस बनाया। वैसे शेखर जी का भी बहुत अच्छा था, इन्होंने इंडिया पाक मैच से रिलेट किया, जैसे कि इंडिया पाक मैच हुआ तो सपोर्टर टीम के कैसे थे, बहुत ही एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद में हारने पे कैसे हो गए, सैड हो गए, जब उनकी परफॉर्मेंस ओपोनेंट इंडिया के खिलाफ बहुत ही ख़राब थी, पाकिस्तान के प्लेयर ने टालमटाल किया अपनी नॉमिनल बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस को लेकर, और उनको ऐसा फील हुआ कि वो क्या हो गया, उनका दिवालियापन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी तरीके से इसको रिलेट किया, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका था। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज भी फिर आप अपने 10-10 वर्ड से इसको रिलेट करके सेंटेंस को भेजेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। सो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो था, आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे आप, ताकि आपको ऐसे ही हम अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें। सो फ्रेंड्स थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।